मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में हमने सबसे पहले करंट कैरिंग वायर का कैपिटल एम कैसे निकाला, करंट इनटू एरिया, डायरेक्शन कैसे निकाली, चार फिंगर करंट के साथ तो कैपिटल एम ऊपर, तो एरिया वेक्टर भी ऊपर, कैपिटल एम भी ऊपर, तो वेक्टर फॉर्म में कैपिटल एम इज करंट इनटू एरिया वेक्टर। अब इसमें टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप में हमने टॉर्क का ये फॉर्मूला किया एम क्रॉस बी, जब एक ही लूप होती है। फिर हमने किया कि कैपिटल एम को म्यू भी लिख सकते हैं, कई बुक्स म्यू लिखती हैं, कई कैपिटल एम लिखती हैं की बात है, तो कैपिटल एम करंट इनटू एरिया या म्यू करंट इनटू एरिया एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर वन पढ़े जरा।
देखो इसमें बी वेक्टर 0.3 टेस्ला अलोंग जेड डायरेक्शन, ये बी वेक्टर है, एरिया एल इन टू बी निकल जाएगा मीटर में, करंट कैरिंग 12 एम्पियर का करंट है, टॉर्क निकालना है इन वेरियस सिचुएशन, पहली सिचुएशन ये है, और टॉर्क की डायरेक्शन भी बतानी है, तो अगर टॉर्क का मैग्नीट्यूड बताना है तो करंट इनटू एरिया, करंट पता है एरिया पता है, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा ना टॉर्क का, करंट इनटू एरिया, डायरेक्शन क्या होगी टॉर्क की, हमने फॉर्मूला क्या किया, टॉर्क वेक्टर इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम क्रॉस बी। अच्छा बताओ एम वेक्टर कहां पर है इसका, चार फिंगर करंट के साथ, एम वेक्टर कहां है बाहर और बी वेक्टर कहां है ऊपर। अब सोचो एक वेक्टर एम वेक्टर बोर्ड के बाहर है, बी वेक्टर ऊपर है, तो क्या करना है एम क्रॉस बी, तो एम क्रॉस बी प्लस वन का राइट हैंड रूल, एम क्रॉस बी, तो थम कहां आएगा, ये रहा टॉर्क, तो ये कौन सा एक्सिस है, अगर ये वाई है तो ये माइनस वाई, तो पीछे क्या लगेगा माइनस जे कैप, तो आंसर आएगा माइनस जे कैप में, करंट इनटू एरिया और पीछे लग जाएगा माइनस जे कैप। ये एक तरीका है ओरल करने का तरीका है, ऐसे ही बस किया आंसर आ गया। एक और तरीका है, आप इसमें एरिया निकाल लें मीटर्स में कन्वर्ट करने के बाद, ये रहा बी वेक्टर कहां पर है, जेड, जेड का मतलब कौन सा कैप है, के कैप है। एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर ये चार फिंगर बाहर, बाहर कौन सा कैप है, एक्स का मतलब आई कैप है, तो एरिया वेक्टर आई कैप में है, बी वेक्टर के कैप में है, टॉर्क वेक्टर क्या होगा एम क्रॉस बी या म्यू क्रॉस बी, म्यू वेक्टर आई कैप है, बी वेक्टर के कैप है, आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे, ऐसे कर लो तो भी एक ही बात है, जो पसंद है वैसे कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, जैसे सिचुएशन चेंज करते हैं ये सिचुएशन है, इसमें लगा के देखो प्लीज सेम रूल, देखो क्या करना है इसमें, बी वेक्टर तो अभी भी के कैप है, लेकिन जो आपका लूप है वो कैसे है, एक्स का मतलब बाहर, तो बाहर की तरफ है ऐसे है, और करंट कैसे जा रहा है बोर्ड के अंदर, तो ऐसे करंट जा रहा है, तो चार फिंगर ऐसे, तो ये रहा एम वेक्टर कहां माइनस जे कैप, तो एरिया वेक्टर या बी वेक्टर ये कहां होगा म्यू वेक्टर माइनस जे कैप, तो आपको क्या करना है म्यू क्रॉस बी, म्यू वेक्टर माइनस जे कैप है, ये के कैप है, माइनस जे और के, जे क्रॉस के क्या होता है आई, तो यहां पर क्या आएगा आई कैप, माइनस तो लगेगा ही ना, ये माइनस है इसलिए, तो माइनस आई कैप इज द आंसर, क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो माइनस आई कैप आएगा इसमें। अब ये क्वेश्चन को करें प्लीज, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है पर चलो फिर भी इसे ट्राई करें, तो रेक्टेंगल 3 सेंटीमीटर क्रॉस 4 सेंटीमीटर हैविंग 100 टर्न्स इज प्लेस्ड अलोंग जेड एक्सिस, तो आपको क्या गिवन है, जेड एक्सिस में एरिया पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, द कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर एंड बी की वैल्यू 0.1 टेस्ला इज प्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इफ साइड इज इन एक्स वाई प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब ये देखने वाली बात है, इसका ना डायग्राम नेक्स्ट पेज पे पेस्ट हो गया ऐसा है, तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, सबसे पहले एक रेक्टेंगल है, ठीक है बुक देना है, एक रेक्टेंगल है,
सपोज एक रेक्टेंगल जेड एक्सिस में है, ये आपका जेड एक्सिस है, एक्स में नहीं है, जेड में, तो ये जेड एक्स, ये रेक्टेंगल है, और हैविंग 100 टर्न्स, ठीक है, द कॉइल कैरीज करंट ऑफ गिवन एंड बी इज प्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस, ओके, बी वेक्टर कहां पर है, वाई एक्सिस, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, जेड है, ये वाई है, तो वाई एक्सिस ये रहा, जेड एक्सिस ये, कॉइल ऐसे पड़ी है। अब मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर ये y एक्सिस है और यहां पर b वेक्टर है, क्योंकि b वेक्टर कहां पर है, y एक्सिस है, ये क्वाइल पड़ी हुई है, क्वाइल में या तो करंट ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो चलो मैं मान लेता हूं करंट ऐसे है, तो अगर मेरा करंट ऐसे होगा बोर्ड के अंदर, तो बोलो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, ऐसे होगा, चार फिंगर करंट अगर ऐसे है तो एरिया वेक्टर ऐसे है, या m वेक्टर कैसे होगा, m वेक्टर भी ऐसे होगा, क्लियर है यहां तक, तो सोचो अगर b वेक्टर इधर है, m वेक्टर इधर है, m और b में एंगल क्या है 180, तो टॉर्क क्या बनेगा, m b sin 180, कोई डाउट, ठीक है, ये एरिया वेक्टर यहां पे था, अभी बताया मैंने, m वेक्टर यहां पर है, अगर इस क्वाइल ने, अब ये x एक्सिस है, ये x है आपकी तरफ, x है, इस क्वाइल ने xy प्लेन में 37 डिग्री ये घूम गई ऐसे, तो x के साथ इसने एंगल क्या बनाया 37 ऐसे, तो x मेरे हाथ x के साथ एंगल 37 बन गया, तो सोचो जो एरिया वेक्टर यहां पे था नेगेटिव y में था वो भी कितना घूम गया 37, अगर कि किताब घूमी 37 तो पेन भी घूमा 37, तो पेन यहां जा रहे ये एक्सिस और ये एक्सिस में y और माइनस y में एंगल क्या है 180, तो शुरू में b वेक्टर यहां पर है और m वेक्टर यहां पर है, पर जैसे ही कॉइल 37 घूमा तो m वेक्टर इधर घूम गया 37, तो अब m वेक्टर में और इसमें एंगल क्या है 180 माइनस 37, क्योंकि टोटल एंगल क्या था यहां से यहां 180, 180 में से 37 गया इधर, तो बचा कितना 180 माइनस 37, तो टॉर्क क्या बनेगा एम बी साइन 180 माइनस 37, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और टॉर्क निकालेंगे तो इसमें करेक्शन कर लेना, यहां पर साइन ऑफ आएगा 180 माइनस 37, जो कि इटसेल्फ साइन ऑफ क्या होता है 37, फर्क नहीं पड़ता, साइन में 180 माइनस थीटा या साइन थीटा एक ही बात होती है, तो यहां से आंसर निकाल लेना, वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये कॉस 37 की खास बात क्या है कोई बताएगा, ये 37 एंगल बीच में क्यों लेता है, क्या खास है, हाँ क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें ये 4 है, ये 5 है और ये 3 है, पाइथागोरस का वो ट्रायंगल बनता है साइड्स, तो इसमें अगर थीटा कॉस थीटा लेना हो कितना 4/5, तो ये तभी आएगा जब ये एंगल क्या होगा 37 डिग्री, तो ऐसे होता है, तो साइन ऑफ 37 कॉस 37 यानी कि क्या होता है 4/5, साइन 37 क्या होता है 3/5, ऐसे होता है, तो ये इसकी खास वैल्यू है, तो साइन 37 की वैल्यू जब पुट करनी होगी तो 3/5 पुट लेना आंसर आएगा, इसकी खास जो है खास बात है इसमें, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सोचें कि नेट कैपिटल एम कैसे होगा, चाहिए कहा कैपिटल एम निकालना है, एरिया पता तो एल इंटू स्क्वायर है, तो इसके अंदर ये जो लूप है ये एक स्क्वायर लूप है, ऐसे ऐसे है, ठीक, तो दो लूप्स हैं, पहला पहला कैसे है ऐसे है, दूसरा ऐसे है,
इसमें करंट कैसे आ रहा है बोर्ड के बाहर, तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, चार फिंगर ऐसे घुमाए तो एम कैसे आएगा, इधर इधर करंट इनटू एरिया, करंट पता है, स्क्वायर का एरिया भी पता है, तो कैपिटल एम इधर आ गया। अच्छा नीचे देखें, ये जो करंट यहां से ऐसे आएगा तो नीचे ऐसे घूम के वापस जाएगा, ऐसे घूम रहा है, तो जब करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कैपिटल एम कहां आएगा, नीचे नीचे, तो एक कैपिटल एम कहां है, लेफ्ट, एक कहां पर है, नीचे, दोनों में एंगल कितना है 90, तो नेट एम क्या होगा, नेट एम की वैल्यू आएगी इसमें अंडर रूट ऑफ एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर रूट 2m, और m क्या है, करंट इनटू एरिया, और स्क्वायर का एरिया आपको पता है l स्क्वायर। अब कोई स्टूडेंट कह रहा था सर ये ऐसे हो नहीं सकता, मैंने कहा क्यों, कहता है ये क्लोज लूप नहीं है जी, क्योंकि ये लूप क्लोज में लगता है, ठीक बोल रहा था वैसे वो, मैंने कहा क्लोज बना देते हैं, वो कहता कैसे, मैं कहा सोच, क्लोज लूप है, इसका करंट ऐसे जा रहा है और इसका करंट ऐसे आ रहा है, एक इधर थे कैंसिल हो गए, ऐसे ले ले तो बन गए दो लूप, ये देखो दो लूप बन गए, आंसर और क्या, ठीक है ना, सिर्फ समझने के लिए, तो क्लियर है यहां तक, ये देखो नेक्स्ट, देखो तो इसमें सपोज करो ये लूप है, वो कह रहा है इन चारों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और मैक्सिमम किस में है, ऐसा भी आ सकता है मिनिमम मैक्सिमम और जीरो किस में है, तो रूल नंबर वन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कॉस थीटा के अकॉर्डिंगली, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है एम और बी, एन कैप एरिया वैक्टर रिप्रेजेंट करता है और एरिया वैक्टर और एम वैक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो पहले केस में बी वैक्टर और एम वैक्टर में एंगल क्या है 180, दूसरे केस में B वेक्टर और M वेक्टर में एंगल क्या है 90, तीसरे केस में B वेक्टर और N कैप में एंगल ग्रेटर देन 90, और लास्ट केस में B वेक्टर और N कैप में या M वेक्टर में एंगल लेस देन 90, ठीक है यहां तक, तो चार एंगल्स पता लग गए, तो पहले केस में 180 पुट करते ही cos 180 माइनस 1 होता है, आंसर mb आ गया, इससे बड़ा आंसर नहीं आ सकता, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम 90 पे तो जीरो आ गया, ऑब्जेक्टिव में जीरो आएगा, जीरो मार्क कर देना, ग्रेटर देन 90 में cos थीटा ग्रेटर देन 90 में क्या होता है नेगेटिव, जैसे cos 180 नेगेटिव में होता है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगी, और लास्ट अगर थीटा लेस देन 90 है तो cos थीटा पॉजिटिव होगा, आंसर किस में आएगा नेगेटिव, यानी कि मिनिमम, तो मिनिमम मैक्सिमम और जीरो इसमें होगी, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, स्क्वायर लूप है जिसकी साइड एल है, एल बाय एल कैरीज अ करंट ऑफ आई, इट इज प्लेस एज शोन, तो ये बाहर की तरफ है 30 डिग्री बाहर की तरफ आई हुई है,
इसका म्यू वेक्टर यानी कि एम वेक्टर निकालना है। एम वेक्टर होता है क्या, करंट इनटू एरिया। अगर मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मुझे पता है करंट आई है और एरिया क्या है एल स्क्वायर, तो आई इंटू एल स्क्वायर आंसर है। पर अगर आई कैप जे कैप में ऑब्जेक्टिव पूछा जाए और अगर मैं अपना पुराना रूल लगाऊँ कि चार फिंगर करंट के साथ घुमाऊँ ये लो, तो बी वेक्टर कहीं टेढ़ा अंदर जाएगा। वो कैसे जाएगा, वो अंदर की तरफ जाएगा, उसके कॉम्पोनेंट लेके आपको ऑप्शन से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा कैप आएगा। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे करना। अब थंब के कॉम्पोनेंट्स कैसे बनेंगे पता नहीं, कैसे बनाओगे। एक आसान तरीका है, म्यू वेक्टर या एम वेक्टर क्या होता है, करंट इनटू एरिया। एरिया वेक्टर क्या है, एल क्रॉस बी, यानी कि लेंथ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। करंट की डायरेक्शन में जाना है और एरिया वेक्टर निकालना है, तो ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, तो ये ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर तो बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो इसका कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा एल लेंथ का, एल कॉस 30, एल साइन 30, जो बाहर की तरफ आएगा इसके परपेंडिकुलर। बाहर की तरफ कौन सा कैप है, जेड, जेड का मतलब है के कैप, और ये कौन सा है, एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप। तो ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, एल कॉस 30 आई कैप, एल साइन 30 के कैप। और बी सी वेक्टर में कहां जा रहा है, करंट नीचे, नीचे का मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस जे कैप। तो कर लेना आई क्रॉस जे के क्रॉस जे आंसर, तो ऑब्जेक्टिव आएगा, एनसीईआरटी में नहीं आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें इस कैपिटल एम को कैलकुलेट करना है वेक्टर के रूल से। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो मैग्नेट्स हैं, क्योंकि अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे करंट कैरिंग वायर्स पे, अब हम क्वेश्चन करेंगे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस पे, मैग्नेट्स पे।